बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक। राइट, हम सब जानते हैं इस टॉपिक के बारे में, लेकिन क्या है, हम बातें करते हैं खुसर फुसर करके, ठीक है। लेकिन आज हम बिल्कुल धड़ाके से खुलम खुल्ला पढ़ने वाले हैं अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इट्स हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है। तो बेटा, अब जब ये चीज़ हमें भगवान ने ही दी है तो क्यों इसके बारे में खुसर फुसर करना, वाई टू मेक इट अ टैबू, राइट। सो इस टैबू को हम टैबू ना रखते हुए आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, महावारी के बारे में हम पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि इस महावारी में जब शुरुआत होती है तो उस शुरू होने को क्या बोलते हैं, जब ये ख़त्म होता है तब हम क्या बोलते हैं, मतलब जो हमारा लास्ट फीमेल्स में, जब वो फीमेल्स 45 की एज पे या 50 की एज पे पहुंच जाती है और उनमें क्या होता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तब उसको क्या बोला जाता है, और जब उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो क्या क्या फेजेस रहते हैं, कितने टाइम की वो होती है और कैसे वो फेजेस डिवाइडेड होते हैं, साथ ही में कैसे एक मेंस्ट्रुअल साइकिल को हॉर्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अगर आप देखें तो हमने हॉर्मोनल कंट्रोल मेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था, फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी पढ़ा था, हमने गमीटोजेनेसिस में ओओजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों के लिए हमने क्या पढ़ा था, हार्मोनल कंट्रोल पढ़ा था, राइट। वही अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम फीमेल्स की बात कर रहे हैं, तो तीन बड़े से बड़े हार्मोन्स अपने पास में आते हैं, अपने पास में ईस्ट्रोजन आता है, प्रोजेस्टेरोन आता है, राइट। इन्हीं और FSH और LH कहाँ से आते हैं, हमारे पास हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से आते हैं, एंटीरियर लोब से आते हैं। यही कुछ गिने चुने हार्मोन्स हैं जिनके ऊपर नीचे होने से ये आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल करी जाती है, राइट। तो क्या बोलते हो, शुरू करें तो जब एक लड़की की लाइफ में जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, व्हेन शी स्टार्ट्स ब्लीडिंग, जब उसको पहली बार महावारी आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मेनार्क। क्या बोलते हैं हम उसको, हम बोलते हैं मेनार्क, मतलब बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, और फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड पीरियड्स और मेनार्क, राइट। या फिर हम इसको और क्या बोलते हैं कि जब पीरियड्स की बिगनिंग होती है, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मेनार्क। क्या बोलते हैं, मेनार्क बोलते हैं। जो बिगनिंग है मेंस्ट्रुएशन की वो वैरी करती है, राइट, किसी के 12 साल में, किसी के 13 साल में, किसी के 14, किसी के 15, 16 भी हो जाते हैं, राइट। एंड कब होती है, ज़्यादातर मोस्टली आपको ये मिलेगी 12 से 15 साल की उम्र में। इतनी बात समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं। तो अब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल किस किस में होती है, ह्यूमंस में होती है, एप्स में होती है और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में होती है। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है कि जो आपका क्या है, यूट्रस है, उसमें से ब्लीडिंग होना। क्यों होना यूट्रस में से ब्लीडिंग होना, क्योंकि यूट्रस में एक वॉल बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस वॉल को, एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ये एंडोमेट्रियम बनती है और ये बनती है ताकि यहाँ पर जो ओवम है, ये ओवम जो मेन, ये आपका यूट्रस है, ये प्रिपेयर करता है, तैयार करता है अपने आप को कि यहाँ से कौन आएगा, स्पर्म आएगा और ये आपके इस ओवम से, ओवम तो हम किसके बाद में बोलेंगे, आपके सेकेंडरी जो सेकेंड माइटोसिस मियोसिस जो हो रहा है उसके कंप्लीट होने के बाद में बोलेंगे, लेकिन जो ये क्या है आपका सेकेंडरी ओवोसाइट है, इसकी मीटिंग हमें करवानी है स्पर्म से। जब इनका मिलन होएगा तो क्या बनेगा, हमारा 2N जाइगोट बनेगा और वो जाइगोट आके कहाँ इम्प्लांट होएगा, आपकी यूट्रस की वॉल पे इम्प्लांट होएगा। लेकिन बेचारा जो आपका यूट्रस है, ये क्या होता है, बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि इसको स्पर्म भी नहीं मिला। अब जब स्पर्म नहीं मिला तो आपका ये जो ओवोसाइट है, ये इसको क्या करना पड़ेगा, खोना पड़ेगा। अब क्योंकि जब इसको खोना पड़ रहा है तो ये क्या करता है, रोता है। ऐसा बोला जाता है कि जो आपका क्या है, जो आपकी महावारी है या जो आपका पीरियड्स है, मेंस्ट्रुएशन है, ये क्या है, इसमें आपका जो यूट्रस है ये रोता है, बिकॉज इसका ये एग जो है, जो सेकेंडरी ओवोसाइट है, इसका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। जब ये लॉस हो रहा है तो क्या होगा, जो आपकी ये एंडोमेट्रियम वॉल है, ये क्या होगी, ब्लड के फॉर्म में शेड होने लगेगी। क्या होने लगेगी, ब्लड के फॉर्म में शेड होने लगेगी एंड यू विल गेट योर पीरियड्स, आपकी महावारी शुरू हो जाएगी। इतनी बात समझ आ गई। सो मेंस्ट्रुएशन इज अ ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्रस ऑफ एडल्ट फीमेल्स एट द इंटरवल ऑफ ल्यूनर मंथ, मतलब जो साइकिल होती है पहले मेंस्ट्रुएशन से लेके अगले मेंस्ट्रुएशन में, उसके बीच में कितने दिन का फर्क होता है, 28 दिन का फर्क होता है, राइट। कुछ लोगों में ये बढ़ के 30 दिन का या 35 दिन का भी हो सकता है, मैक्स टू मैक्स। तो हम एक जनरली क्या लेते हैं, रेंज इसके 28 दिन से 35 दिन की रेंज हम लेते हैं फॉर वन मेंस्ट्रुअल साइकिल। इतनी बात समझ आ गई। अब जो ह्यूमन फीमेल्स हैं उनमें यहाँ पे अब द और मेंस्ट्रुएशन में गैप लगाएंगे,
दैट इज रिपीटेड, बार बार आती है, हर महीने आती है. क्या बोलते हैं हम इसको, हर महीने आती है, 28 दिन की साइकिल चलती है. एवरेज इंटरवेल ऑफ अबाउट 28 to 29 डेज एंड द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल. मतलब क्या हुआ, अगर एक तारीख को आपको हुआ है तो ये 28 दिन बाद घूमकर फिर अगले महीने की एक तारीख को वापस से आएगी. तो ये पूरा क्या है, ये पूरा एक आपका साइकिल है. क्या है, ये पूरा एक साइकिल है. सो एक ओवम जब रिलीज होता है, जब क्या होता है, एक ओवम रिलीज होता है मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तब क्या होता है, आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनना शुरू हो जाती है. राइट, सो वन ओवम इज रिलीज, मतलब जो ओवम है वो एक्चुअली में है क्या, सेकेंडरी ओवोसाइट है. क्या है, सेकेंडरी ओवोसाइट है. तो जब ये सेकेंडरी ओवोसाइट रिलीज होता है, क्या होता है, ये सेकेंडरी ओवोसाइट रिलीज होता है. और अभी तक हमने इतने ज़्यादा हॉर्मोन्स पढ़ लिए हैं कि हमें पता है कि ये सेकेंडरी ओवोसाइट कब रिलीज होएगा. जल्दी से अपने दिमाग के घोड़े मेरे को दौड़ा के बताओ और सोच के बताओ कि सेकेंडरी ओवोसाइट किस हार्मोन के आने से होता है. कितनी बार पढ़ लिया यार, खुद सोच के बताओ. हमने क्या बोला था, मैंने तुम्हारे को बोला था कि फीमेल को अपन क्या बोलते हैं, लेट गो करने को बोलते हैं, कि ओवम को जाने दो. कौन सा हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन होता है, जल्दी बताओ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है. कौन सा हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है. और जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बिल्कुल क्या आ जाती है, पीक आ जाती है, उस पीक पे आपका क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है. क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है. इतनी बात समझ आ गई. तो जब ये ओव्यूलेशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओवोसाइट. कैसे होएगा, सबसे पहले तो क्या होएगी, रप्चर होएगी. क्या चीज़, रप्चर ऑफ, किसका रप्चर होएगा, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, है ना, मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल. सो ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने से उसके बाद में क्या रप्चर होएगा, रप्चर ऑफ ओवरी वॉल. किसकी वॉल, ओवेरियन वॉल जो होती है उसका रप्चर होना होगा, तब जाके आपका जो सेकेंडरी ओवोसाइट है वो बाहर आएगा. आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है. तो ये सब जब रप्चर हो रहे हैं, तो ये सब रप्चर होने के बाद में जो फिम्बरी बैठी है, किसकी फिम्बरी बैठी है, फलोपियन ट्यूब की, वो आपके जासी यहाँ से ये ओवा ऐसे पकड़ेगी. क्या पकड़ेगी, ये ओवा ऐसे पकड़ाती है ओवरी, और ओवा फिर इस ट्यूब के अंदर आता है, फलोपियन ट्यूब के यहाँ एम्प्यूला में आता है, फिर स्टमक में जाता है और उससे नीचे आता है कहाँ पर, आपके यूट्रस में. ठीक है, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है स्टार्ट होती है 12 से 15 साल में और कंटिन्यू कब तक करती है, 45 से 50 साल तक. रेगुलेट करी जाती है, कौन इसको कंट्रोल करता है, कुछ हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं. कौन सिक्रीट करता है वो हार्मोन्स, पिट्यूटरी की एंटीरियर लोब सिक्रीट करती है. कौन से दो हार्मोन्स हैं आपके, FSH और LH. तो FSH जो है वो क्या करता है, दो काम करता है, ईस्ट्रोजन सिक्रीट करवाता है, क्योंकि वो क्या करता है, ओवरी में जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं उनको बोलता है ईस्ट्रोजन सिक्रीट करो. अब ओवेरियन फॉलिकल ही जब क्या बन जाते हैं आपके, क्या बन जाते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाते हैं. तो LH आता है, LH क्या बोलता है, LH बोलता है कि भाई कॉर्पस ल्यूटियम बना, तो कॉर्पस ल्यूटियम और क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन भी सिक्रीट करता है, करता है कि नहीं करता है. तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरोन भी सिक्रीट करता है. तो वही कुछ गिने चुने अपने दो चार हार्मोन्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड का LH और FSH है. और अगर अपने आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम का देखो तो आप ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है. ईस्ट्रोजन में मेजर कौन सा है अपना, एस्ट्राडियोल है. राइट, सो यही चार कुछ हार्मोन्स हैं जो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं. इन्हीं का ही क्या है, कुछ कैलकुलेशन है, वो अभी हम आगे देखेंगे. तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको स्टिम्युलेट कौन करता है, हमारा भगवान कौन है, ग्लैंड का भगवान कौन है, हमारा माँ, हमारी गोनाडोट्रोपिन. कौन रिलीज करता है ये, हमारी भगवान हाइपोथैलेमस, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करती है. ये जाके किसको जगाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में जो क्या है, एंटीरियर लोब जो है, जो बड़ा भाई है उसको जाके जगाता है. अब ये क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है आपके दो हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. जो फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन है वो दो काम करते हैं, एक तो वो ओवेरियन फॉलिकल को स्टिम्युलेट करते हैं, किसको स्टिम्युलेट करते हैं, ओवेरियन फॉलिकल को. और वो क्या सिक्रीट करवाते हैं, ईस्ट्रोजन सिक्रीट करवाते हैं. ओवरी क्या रिलीज करती है, ईस्ट्रोजन रिलीज करती है, साथ ही में FSH और किसके रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोजेस्टेरोन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, LH किसको करता है स्टिम्युलेट, कॉर्पस ल्यूटियम को. किसको रिलीज स्टिम्युलेट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को. राइट, इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है.
ठीक है. सो अब यहाँ पे क्या है, जो हॉर्मोन्स है दे आर प्रोड्यूस बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड्स इन्फ्लुएंस द ओवरीज. अब ये जो क्या है, ये जो हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं ये किसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ओवरीज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. जो हॉर्मोन सिक्रीट हो रहा है बाय द ओवरीज वो इन्फ्लुएंस करता है किसको, यूट्रस को. किसको करता है, यूट्रस को करता है. मतलब अगर आपकी एंटीरियर ग्लैंड ऑफ पिट्यूटरी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी सिक्रीट कर रही है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ये हार्मोन सिक्रीट कर रही है FSH एंड LH, ये जाके किसको असर कर रही है, ओवरीज को. ओवरीज फिर हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं जैसे कि ईस्ट्रोजन, राइट, ईस्ट्राडायोल जो अपना है, एंड साथ में प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है. तो ये किसको जाके असर करते हैं, ये करते हैं यूट्राइन वॉल को, जो आपकी यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है, जो मैंने रेड कलर की वो बनाई थी, जो रेड कलर की ये वॉल मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाई थी, वो कौन सी वॉल थी, ये वॉल कौन सी है बेटा, एंडोमेट्रियम है. कौन सी वॉल है, एंडोमेट्रियम वॉल है, जो कि क्या होती है, वैस्क्यूलर होती है. ठीक है, इतनी बात समझ आ गई. चलो आगे बढ़े. तो यहाँ पर क्या लिखा है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें चार फेजेस होते हैं. कौन कौन से चार फेजेस होंगे, सबसे पहला हम चालू करेंगे फर्स्ट डे से, ठीक है, जब हमारी क्या स्टार्ट होती है, ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, राइट, खून का स्त्राव हमारा शुरू होगा. तो पहले दिन से हम लेकर कितने दिन तक मानते हैं इसको, 5 दिन तक. ओहो थोड़ा सा ये अच्छा नहीं बन रहा डायग्राम, इसको मिटाते हैं, रुको, तुम्हारे लिए थोड़ा बढ़िया डायग्राम बनाते हैं. चलो तो क्या है हमारा, पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक, शुरुआती पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक हम ये मानते हैं कि ये तुम्हारा क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज है. मेंस्ट्रुअल फेज जिसमें तुम्हारे को क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है. क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है. ये हम मानते हैं कि 1 to 5 days होएगा. उसके बाद मैं तुम्हारे को मानती हूँ कि क्योंकि अब फॉलिकल बन रहे हैं, तो ठीक है, फॉलिकल को हम किससे बनाएं, वाइट कलर से बना देते हैं. फॉलिकल आपका 6ठे दिन से लेकर 14वें दिन तक, 13th या 14th day तक हम इसको बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज. क्या बोलते हैं इसको, हम फॉलिक्यूलर फेज बोलते हैं, या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं प्रोलिफरेटिव फेज. क्या बोलेंगे हम इसको, प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है. उसके बाद में आपके पास आता है ओव्यूलेशन डे, ठीक है. तो कौन सा होगा आपका, 14th से लेकर 15th day. ये हम 24 आवर्स मानते हैं कि जब आपकी LH बिल्कुल पीक पे होती है तब वो आपका कौन सा दिन है, ओव्यूलेशन फेज. कौन सा फेज है वो, ओव्यूलेशन फेज है, जहाँ पे क्या हो रहा है, ओवम रिलीज हो रहा है, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो रहा है. उसके बाद में 15 से लेकर 28 तक मैं ये मानती हूँ, मतलब ये ऐसा बोला गया है कि इस फेज को हम क्या बोलते हैं, ल्यूटियल और सिक्रीटरी फेज. क्या बोलते हैं, ल्यूटियल या फिर सिक्रीटरी फेज, जहाँ पे क्या होता है, सिक्रीशंस होते हैं. क्या होते हैं यहाँ पर, सिक्रीशंस होते हैं. तो ये क्या है आपका, दिस इज योर साइकिल. अगर आप चाहे तो इसको एक साइकिल भी बना सकते हैं. कैसे बनाएंगे, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बना ले क्या, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बना लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है. यहाँ पे हम एक शेप वाला भी बनाने का भी ले लेते हैं. सर्कल बनाना है हमारे को, सर्कल बना ले, किससे बनाए, वाइट से बना ले, चलो वाइट से बनाते हैं, ठीक है. ओई कैसे बनेगा ये देखो, ये तो ब्लैक में बन गया, कोई बात नहीं, ठीक है, इतना ठीक है. चलो इसको नीचे ले आते हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है. चलो अब क्या करना है हमारे को, ये हमारी सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, बढ़िया, बहुत बढ़िया. अब हमारे को यहाँ पे क्या बनाना है, एक सेंटर लाइन बनानी है. क्या बनानी है, एक सेंटर लाइन बनानी है. चलो हाथ से बना लेते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. थोड़ी बहुत गड़बड़ी होगी, समझ जाना तुम. ये तुम्हारा सर्कल का हाफ हो गया, सर्कल हाफ हो गया या नहीं हुआ, सर्कल को थोड़ा सा और हाफ करना है अगर तुम्हारे को. अरे अपना सर्कल चला गया, चलो कोई बात नहीं, एक सर्कल यहाँ बना लेते हैं हम ऐसे, ठीक है. इसको उठाकर यहाँ ले आते हैं और थोड़ा सा कोशिश करते हैं बेटर हाफ बनाने की, राइट. चलो ये क्या हो गया, तुम्हारे सर्कल का हाफ हो गया. कितने दिन की है ये सर्कल तुम्हारी, ये सर्कल है 28 दिन की सर्कल है. कितने दिन की सर्कल है, हम यहाँ पे बीच में लिखते हैं, ये साइकिल कितनी बड़ी है तुम्हारी, 28 days की. कितनी डेज की, 28 days की है. इतनी बात समझ आ गई. अब इन 28 days में हाफ हमने किया, तो 14 दिन इधर है, ठीक है. अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पर बीच में क्या आएगा, इधर बीच में आएंगे 7 days. क्या आएंगे, 7 days.
यहाँ पर भी आएगा 7 days, ठीक है? राइट, अब करेंगे हम ये फर्स्ट दिन, ये सेकंड दिन, थर्ड दिन, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए 6 days. अरे इसमें एक 7 day और होना चाहिए था. चलो एक 7 day. ये बार बार सर्कल क्यों चला जाता है हमारा? चलो कोई बात नहीं, इसको हाथ से बनाएंगे, ठीक है? बार बार सर्कल चला जाता है हमारा, कोई बात नहीं. लेट्स ट्राई. ओके, 1, 2, नॉट बैड, ठीक है? चलो बढ़िया बन गया. अब अपन क्या करेंगे, इसमें फिर से बनाएंगे अपन कितने, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. परफेक्ट, ठीक है? चलो राइट, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसमें लगाने वाले डेज. फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ठीक है? अब उसके बाद आप बाकी के आगे के दिन भी करोगे, ठीक है? सेवेंथ, फिर ये एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ, और ये यहाँ पे 13, और ये वाला 14 हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर सारे दिन आएंगे आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? ये बीच में आपके लिए मैं एक बड़ा वो बना देती हूँ, ये लो, ठीक है? ये साइकिल कितने दिन की है हमारी, इसके ऊपर ओवरलैपिंग कर देते हैं, और हम इसको क्या लिखेंगे, 28 डेज की साइकिल है. कितने दिन की साइकिल है ये, 28 डेज की साइकिल है. डेज का नंबर हमने लिख दिया 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, एंड ये कौन सी हो गई, 14 हो गई हमारी. दिस इज़ व्हाट, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 and 28, ठीक है? बीच में इसको हम हाफ कर देते हैं यहाँ पर. दिस इज योर सेंटर. इतनी बात समझ आ गई? अब देखो क्या हो रहा है, अब तुम्हारे को क्या करना है, यहाँ पर हाइलाइटर से काम करेंगे. नाउ 1 से लेकर 6 डे तक डायग्राम साथ साथ बनाते जाना है. क्या करना है, डायग्राम साथ साथ बनाते जाना है. ये 6th day तक आपके क्या हो रहा है, 6th day तक क्या है आपका, मेंस्ट्रुअल फेज है. क्या है आपका, ये मेंस्ट्रुअल फेज है, ठीक है? राइट, तो लिख लो इसको, मेंस्ट्रुअल फेज को. राइट डाउन द मेंस्ट्रुअल फेज. सो व्हाट इज दिस, दिस इज योर मेंस्ट्रुअल फेज 1 से लेकर आपके 6 तक. कौन सा फेज हो गया ये आपका, मेंस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है? अब उसके बाद में हमारे पास दूसरा हाइलाइटर हम लेंगे, ठीक है? फिर हम करेंगे 7 से लेकर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक, यहाँ तक ये पूरा. व्हाट इज दिस, दिस इज फॉलिक्यूलर फेज. व्हिच फेज इज दिस, दिस इज फॉलिक्यूलर फेज 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ये सॉरी मैंने रेड से बना दिया, कैसे बन गया रेड से. व्हाट इज दिस, दिस इज फॉलिक्यूलर फेज, या फिर हम इसको और क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं हम इसको, प्रोलिफरेटिव फेज. क्या बोलोगे, प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है? उसके बाद में आपके पास यहाँ पर 14th day पर क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है, मतलब रिलीज ऑफ एग हो रहा है. क्योंकि क्या हुआ, LH का पीक हुआ. क्या हुआ, LH का पीक हुआ, और LH का जैसे ही पीक हुआ आपका क्या हुआ, ओव्यूलेशन हो गया. LH पीक पे क्या हो गया, ओव्यूलेशन हो गया, बिकॉज LH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन. उसके बाद में आपके पास में क्या होने वाला है, ये देखेंगे अब हम. तो अब ये जो आपका बाकी 14th day से 28th day तक जो फेज है, दिस इज योर
सिक्रीटरी फेज या फिर आप इसको क्या बोलोगे ल्यूटियल फेज, क्योंकि इसमें क्या है एल एच पीक पे है, तो वो क्या बोल रहा है, वो दूसरे फॉलिकल्स को भी बोल रहा है तुम क्या बन जाओ, तुम भी कॉर्पस ल्यूटियम बन जाओ। ठीक है, ये पूरा फेज कौन सा फेज है, विच फेज इज दिस फ्रॉम 28 to 40, ये कौन सा फेज है, दिस इज योर सिक्रीटरी फेज, सिक्रीटरी या फिर ल्यूटियल फेज, कौन सा फेज है, ल्यूटियल फेज। ठीक है, ये साइकिल बन गई, बढ़िया है, मैं इसका डायग्राम नहीं लाना चाहती थी, आई वॉन्टेड टू मेक इट माई सेल्फ। चलो अब इतनी बात समझ आ गई तुम्हारे को, वापस से क्या होगा 28वें दिन के बाद जो पहला दिन आएगा उस पर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो अब इसी को हम यूज़ करेंगे जब हम हॉर्मोन्स सारे पढ़ लेंगे, इसी साइकिल में आके हम सारे हॉर्मोन्स भी लिखेंगे, पहले एक बार पढ़ लेते हैं सारे हॉर्मोन्स। चलो ये हो गया, मेंस्ट्रुअल फेज पे बात आ जाती है हमारे। अब क्या हो रहा है मेंस्ट्रुअल फेज में, हमें पता है, हम नीचे से चलेंगे बिल्कुल, क्या हमें पता है कि ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, क्या होता है ब्लीडिंग हो रही है फॉर 6 डेज, ब्लीडिंग क्यों हो रही है, ब्लीडिंग क्यों हो रही है, क्योंकि जो आपकी एंडोमेट्रियम है, जो क्या है आपकी एंडोमेट्रियम है, वो क्या हुई है, ब्रेक डाउन हुई है। क्या हुई है एंडोमेट्रियम आपकी, ब्रेक डाउन हुई है। अब जब एंडोमेट्रियम आपकी ब्रेक डाउन हुई, तो वो एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन क्यों हुई, क्यों ब्रेक डाउन हुई, क्योंकि जो इसका लालन पोषण करने वाला था वो कम हो गया। इसका लालन पोषण करने वाला कौन था, इसका लालन पोषण करने वाला था FSH, ये भी कम हो गया, LH ये भी कम हो गया, क्योंकि जो फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन है वो और भी क्या रिलीज करवा रहा था, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करवा रहा था, और जो प्रोजेस्टेरॉन है वो एंडोमेट्रियम का ध्यान रखता है। ये साइकिल हमारे साथ हो गई। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इन 28 डेज जो मेंसेस के जो पहले साइकिल के 1 से 5वां दिन होता है, उसमें जो प्रोडक्शन होता है LH का एंटीरियर लोब से, वो भी क्या हो जाता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा क्या है LH भी जो हमारा है, दूसरा कलर ले लेंगे बच्चों, चलो दूसरा कलर ले लेते हैं, यहाँ पे जो हमारा क्या है LH है वो भी कम हो गया है। ठीक है, जो प्रोडक्शन है LH का पिट्यूटरी ग्लैंड से, दैट इज कंसिडरेबली रिड्यूस। उसके बाद क्या देखोगे, उसके बाद आप देखोगे कि जब इस हार्मोन का रिडक्शन हुआ तो क्या होएगा, ये हार्मोन किसको संभाल रहा था, ये हार्मोन संभाल रहा था कॉर्पस ल्यूटियम को, किसको संभाल रहा था कॉर्पस ल्यूटियम को, तो कॉर्पस ल्यूटियम के लिए जब LH ही कम हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम बनेंगे, ये भी क्या होने लगेंगे, डीजेनरेट होने लगेंगे, क्या होने लगेंगे, डीजेनरेट होने लगेंगे। नाउ जब विड्रॉल हुआ और LH का, तब क्या हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजेनरेट हो गया, तो कॉर्पस ल्यूटियम जब डीजेनरेट हुआ, पीछे चलते हैं वापस एक बार, तो जब ये कॉर्पस ल्यूटियम, सॉरी ये क्या हो रहा है आज, कॉर्पस ल्यूटियम जब डीजेनरेट हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज कर रहा था, क्या रिलीज कर रहा था, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा था। तो जो प्रोजेस्टेरॉन है, जब उसको रिलीज करने वाला, उसको बनाने वाला ही बंद हो गया, तो क्या प्रोजेस्टेरॉन आएगा, प्रोजेस्टेरॉन नहीं आएगा। तो जब प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया, जो कि एंडोमेट्रियम का ध्यान रखना था, तो क्या एंडोमेट्रियम बचेगी, तो प्रोजेस्टेरॉन का भी प्रोडक्शन क्या होएगा, रिड्यूस हो जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो जो एंडोमेट्रियम है यूट्रियस की, वो टूटना शुरू हो जाती है, और जैसे ही एंडोमेट्रियम टूटती है आपका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन में होता क्या है, आपके पास क्या होगा, जब एंडोमेट्रियम ब्रेक होगी, ब्रेकेज ऑफ एंडोमेट्रियम, तो एंडोमेट्रियम क्या है, सेल्स हैं, तो एंडोमेट्रियम के सेल्स का क्या होगा, सिक्रीशन होएगा, क्या होएगा, सिक्रीशन होएगा। साथ ही में क्या आ रहा है, ओवरी ने क्या कैच कराया था, ओवम, आपका सेकेंडरी ओवोसाइट, ये क्या है, सेकेंडरी ओवोसाइट को फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनफर्टिलाइज्ड एग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग बोल सकते हैं। साथ ही में जब ये वॉल टूट रही है, तो वॉल के टूटने से, क्योंकि वो वैस्कुलर वॉल थी, तो ब्लड भी रिलीज होगा, ये क्या है आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, चलो आगे बढ़ो।
देखो अब कौन सा फेज आया, फर्स्ट टू फिफ्थ डे वाला फेज, फिफ्थ या सिक्स डे वाला फेज हमने पढ़ लिया। उसके बाद में हमारे पास आया फॉलिक्यूलर फेज। कौन सा फेज आया हमारे पास में? फॉलिक्यूलर फेज। क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखो हमारे पास में क्या है, पहले तो एक तो ये हार्मोन को ठीक कर लो, दिस इज एच ओ आर एम ओ एन ई, ठीक है। अब क्या होगा, धीरे धीरे जो एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड की, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे क्या रिलीज होगा, उससे रिलीज होना स्टार्ट होएगा फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। क्या रिलीज होना स्टार्ट होएगा? फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, दैट इज FSH। ये क्या करेगा, ये जाएगा और ये स्टिम्युलेट करेगा, किसको स्टिम्युलेट करेगा? ओवेरियन फॉलिकल को स्टिम्युलेट करेगा। क्या करेगा? ओवेरियन फॉलिकल को स्टिम्युलेट करेगा। ओवेरियन फॉलिकल जब स्टिम्युलेट होंगे तो हमने क्या पढ़ा था केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, कि ओवरी से क्या रिलीज होता है, ओवरी से रिलीज होता है ईस्ट्रोजन। क्या रिलीज होता है? ईस्ट्रोजन रिलीज होता है। और ईस्ट्रोजन क्या बनाता है? स्टिम्युलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। क्या बनवाता है? फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। शुरुआत कौन करता है? आपका ईस्ट्रोजन शुरुआत करता है। कौन करता है? ईस्ट्रोजन शुरुआत करता है। जो एंडोमेट्रियम है वो धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, मोटी होती जाती है बाय रैपिड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेल्स, एंड दिस इज अकम्पनीड बाय इंक्रीज ऑफ यूट्राइन ग्लैंड्स एंड ब्लड वेसल्स, जिसको हम क्या बोलेंगे? एंजियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? एंजियोजेनेसिस। मतलब एंजियोजेनेसिस क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, स्पेलिंग ठीक लिखी है क्या वेसल्स की? वापस लिख देते, पता नहीं ठीक है कि नहीं, वेसल्स। चलो सो क्या हो रहा है, एंजियोजेनेसिस मतलब ब्लड वेसल्स फॉर्म होने लग गई हैं, क्योंकि जो आपकी एंडोमेट्रियम है, जो आपकी क्या है, एंडोमेट्रियम है, वो कैसी वॉल है? वैस्कुलर वॉल है। कैसी वॉल है? वैस्कुलर वॉल है यूट्राइन की, तो उसमें ब्लड वेसल्स होंगी और उनका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा किसके आने से? FSH के आने से। सॉरी, पहले हम क्या लिखेंगे, ये फॉर्मेशन किसकी वजह से हुआ? ये फॉर्मेशन हुआ आपका किसकी वजह से हुआ? ये फॉर्मेशन ईस्ट्रोजन की वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ? ईस्ट्रोजन की वजह से हुआ। ईस्ट्रोजन किसकी वजह से आया? ईस्ट्रोजन किसकी वजह से आया? ईस्ट्रोजन यहाँ पे ये लिखो OES, ठीक है, इसकी वजह से हुआ। ईस्ट्रोजन किसकी वजह से आया? फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन की वजह से आया। फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन कहाँ से आया? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से आया। नाउ ओव्यूलेटरी फेज, अभी हमारा क्या हुआ, जो एंडोमेट्रियम वॉल थी वो तो हमारी बन गई। क्या हुआ? एंडोमेट्रियम वॉल हमारी बन गई। अब हमारे को क्या कराना है? वी आर रेडी टू रिसीव, जो आपका यूट्रस है वो रेडी है, तैयार है आपके ओवम को रिलीज करने, ओवम को पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। तो अब क्या बाहर आना बाकी है? ओव्यूलेशन होना बाकी है। क्या होना बाकी है? ओव्यूलेशन होना बाकी है। हम सब कैच करने के लिए रेडी हैं। अब क्या आएगा ऊपर से? ओवम आने वाला है। सो ओवम कब आएगा? जब LH की पीक होगी। क्या होगी? LH की पीक होगी। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में 1-6 डे में क्या हुआ था? LH कम हुआ था। LH कम हुआ था तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो गया। कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम जब डीजेनरेट हुआ तो उसने प्रोजेस्टेरॉन भी कम कर दिया। प्रोजेस्टेरॉन कम किया तो क्या हुआ? आपकी एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन हो गई। अब क्या हुआ है, 1-6 डे में वापस से क्या हो रहा है, LH थोड़ा थोड़ा कम हुआ था, अब वो वापस से बढ़ने चालू हो गया। 14th डे पर क्या होएगा, आपका जो LH है वो पीक अटेन कर लेगा। जब LH पीक अटेन कर रहा है तो LH की वजह से क्या होता है, आपका ओव्यूलेशन होता है। LH क्या करवाता है? LH किसको बनवाना है? LH को। LH का काम क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम बनवाना। क्या बनवाना? कॉर्पस ल्यूटियम बनवाना। कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बनेगा? जब मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल से, जब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से क्या रिलीज होएगा? ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से जो आपका सेकेंडरी ओवोसाइट है वो रिलीज होएगा। क्या रिलीज होएगा?
सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होएगा तब क्या बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। तो जो बाहर वाले जो सेल्स की लेयर थी, जो हमने क्या बनाई थी, पूरी ऐसी लेयर बनाई थी, ये आपकी पूरी क्या थी, ग्रैन्यूलोसा लेयर थी ना। ग्रैन्यूलोसा लेयर में से आपका क्या बाहर निकल गया, आपका ओवम बाहर निकल गया। ये ओओसाइट जो था ये ऐसे था, और इसके बाहर क्या थी, एक जोना पेल्यूसिडा थी, और जोना पेल्यूसिडा के बाहर क्या था, आपका कोरोना रेडिएटा था, जिसके ऐसे ऐसे थी। ये कोरोना रेडिएटा लेकर क्यूमुलस ओफेरस से टूट गया, और ये आपका जो बाहर के जो सेल्स थे, फॉलिकुलर सेल्स थे, ये रह गए। अब इन फॉलिकुलर सेल्स में क्या हुआ था, इन फॉलिकुलर सेल्स में ये फॉलिकुलर सेल्स बड़े हुए, और इन फॉलिकुलर सेल्स में क्या भर गया, एक ल्यूटिन नाम का पदार्थ भर गया, जो कि इसको क्या देता है, येलो कलर देता है। क्या देता है, येलो कलर देता है, जिसकी वजह से हम कॉर्पस ल्यूटियम को और क्या बोलते हैं, येलो बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ है, पीक आ गई है 14th डे पे LH की, बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है LH का, जिसकी वजह से रप्चर हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल, रिलीज हो जाता है ओवम, एंड जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें सेकेंडरी ओवोसाइट रिलीज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, और ये आपको स्टेटमेंट बहुत जगह देखने को मिलेगी कि जो LH है वो क्या करवाता है, ओव्यूलेशन करवाता है। राइट, इतनी बात समझ आ गई। अब ल्यूटियल फेज क्या है, ल्यूटियल फेज पे हम आते हैं। ल्यूटियल फेज में क्या होता है कि अब आपका ओव्यूलेशन हो गया, साइकिल का आपका जो साइकिल थी, हमने जो साइकिल बनाई थी उसका आपका यहाँ पर 14th डे पे ओव्यूलेशन हो चुका है। अब ये इस तरफ वाला क्या है, पूरा ल्यूटियल फेज है, मतलब यहाँ पर आपका ओवम रिलीज हो गया है। क्या हो गया है, पीछे अगर हम देखें, यहाँ पे पीछे अगर हम जाए तो ओवम आपका ये 14th डे पे रिलीज हो गया है। अब बचा क्या है, ये आपका कॉर्पस ल्यूटियम बचा है। क्या बचा है, कॉर्पस ल्यूटियम बचा है। ठीक है, इसको हटाते हैं यहाँ से। अब क्या हो रहा है, अब आपका जो बाहर के जो फॉलिकुलर सेल्स हैं ये ऐसे क्या बनाएंगे, एक कॉर्पस ल्यूटियम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बना रहे हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉर्पस ल्यूटियम, गैदरिंग ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, दिस इज व्हाट, कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज कर रहा है, ये कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज कर रहा है प्रोजेस्टेरॉन। क्या बना के जा रहा है, ये प्रोजेस्टेरॉन बना के जा रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये क्या करके जाता है, ये आपका एंडोमेट्रियम का ध्यान रख के जाता है। इसका काम क्या है, एंडोमेट्रियम का ध्यान रखना। तो आपकी क्या होगी, जो 18 दिन आपकी एंडोमेट्रियम, जो 14 दिन आपकी एंडोमेट्रियम बन रही है धीरे धीरे FSH की वजह से, वो इंटैक्ट रहेगी। सो क्या होएगा, जो एंडोमेट्रियम है वो क्या हो जाएगी, हेल्दी एंड थिक बनेगी। क्या बनेगी, हेल्दी एंड थिक बनेगी, एंड इट इज़ गेटिंग रेडी फॉर इम्प्लांटेशन। क्यों रेडी हो रही है, क्योंकि खुशियां मना रहा है आपका यूट्रस कि भाई ओवम आएगा और ओवम फर्टिलाइज होकर इम्प्लांट होएगा। यूट्रस को लग रहा है कि अभी तो स्पर्म आने वाला है बाहर से, वो ओवम के साथ मीटिंग करेगा और क्या होएगा, जाइगोट हमारे रेडी होएगा, आएगा किसके लिए, वॉल में इम्प्लांटेशन के लिए। किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। तो यूट्रस क्या करता है, हर महीने तैयारी करता है उस जाइगोट को इम्प्लांट करवाने के लिए। तो ल्यूटियल फेज क्या है, 15 से 28 दिन आपका ल्यूटियल फेज है। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी सिक्रीट करता है, जिसके वजह से क्या रिलीज होता है, LH जो होता है वो ओव्यूलेशन करता है। जो रिमेनिंग सेल्स है ओवेरियन फॉलिकल्स के, वो स्टिम्यूलेट हो जाते हैं। ये एक ही वर्ड है बेटा, दिस इज स्टिम्यूलेटेड। वो क्या हो जाते हैं, स्टिम्यूलेट हो जाते हैं बाई द LH टू डेवलप कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम बहुत सारा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरॉन यूट्राइन ग्लैंड्स में क्या बोलती हैं कि आप क्या सिक्रीट करो, वाटरी म्यूकस सिक्रीट करो। क्या सिक्रीट करो, वाटरी म्यूकस सिक्रीट करो। सो इस सिक्रीटरी फेज में देयर इज आल्सो सिमिलर इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ वाटरी म्यूकस बाय द वजाइनल ग्लैंड्स। यूट्राइन वॉल्स तो कर ही रही हैं, यूट्राइन वॉल्स क्या कर रही हैं, आपका वाटरी म्यूकस रिलीज कर रही हैं, वाटरी म्यूकस रिलीज कर रही हैं। सिमिलरली आपके ल्यूटियल फेज में या सिक्रीटरी फेज में क्या हो रहा है, वेजाइनल ग्लैंड्स जो हैं आपकी, वो भी क्या सिक्रीट करती हैं, वाटरी म्यूकस सिक्रीट करती हैं। क्योंकि क्या हो गया है, वेजाइना में तो इतनी सारी वॉल्स बन गई हैं, वो भी कुछ सिक्रीट करेंगे, और वेजाइनल ग्लैंड्स में जो क्या होगा, वो भी वाटरी ग्लैंड्स, वाटरी म्यूकस सिक्रीट करेंगी बाय द ग्लैंड्स ऑफ द फलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, फुल स्टॉप। प्रोजेस्टेरॉन इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। आगे बढ़ो, तो ये जो एंडोथीलियम है, सॉरी यहाँ पे फिर से इसको करिए एंडोमेट्रियम,
तो जो एंडोमेट्रियम है वो किसके लिए जरूरी है? इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। जब क्या हो रहा है? एब्सेंस है फर्टिलाइजेशन का। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट होएगा, राइट? डीजेनरेट होने क्यों डीजेनरेट होएगा? क्योंकि LH गिर गया, LH रिड्यूस हो गया, LH कम हो रहा है, LH कम हो रहा है तो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं जिएगा, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं जिएगा तो प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा, प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा तो एंडोमेट्रियम दर 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 करके ब्रेक करेगी, ठीक है? इसकी वजह से क्या होगा? एंडोथीलियम, यहाँ पे इसको करिए एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम क्या करेगी? ब्रेक करेगी, लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन मार्किंग अ न्यू साइकिल एंड आफ्टर द सिक्रेटरी फेज मेंस्ट्रुअल फेज फिर से आ जाता है। मेंस्ट्रुएशन को क्या बोला है हमने? कि आपका जो यूट्रस है बेबी वो रो रहा है फॉर लॉस्ट ओवम, क्योंकि यूट्रस का जो ओवम है वो अपना काम नहीं कर पाया है और वो खो गया है, ठीक है? राइट, अब ये देखिए ग्राफ, कितना बढ़िया ग्राफ है ये, कैसे बता रहा है? पहले दिन पे प्राइमरी फॉलिकल आपका बनना चालू किया, ये आपका कौन सा दिन है? जब आपके FS, LHS दोनों बिल्कुल कम है, रिड्यूस्ड है, राइट? फर्स्ट डे, थर्ड डे, फिफ्थ डे, सेवेंथ डे, राइट? बिल्कुल कम हो गए। नाइन्थ डे, यहाँ से अब क्या बढ़ना चालू हुआ? धीरे 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 जैसे पीरियड्स आपके खत्म हुए, जैसे आपका मेंस्ट्रुएशन खत्म हुआ, फॉलिकुलर फेज आपका स्टार्ट हुआ, फॉलिकुलर फेज से धीरे धीरे आपका क्या स्टार्ट होएगा? LH पीक करेगा। क्या करेगा? LH पीक करेगा। LH के पीक करते ही क्या होगा? 14वें दिन पे आपका ओव्यूलेशन हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे देखो आपका क्या है, यहाँ पे तो पहले शेडिंग हुई, आपका क्या हो रहा है? शेडिंग हुई। किसकी शेडिंग हुई? फर्स्ट टू फिफ्थ डे FSH LH कम है, राइट? और क्या हो रहा है यहाँ पर? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी कम है। अब धीरे धीरे क्या बढ़ना चालू हुआ? क्योंकि फॉलिकल बनने लग गए। फॉलिकल क्या रिलीज करेंगे? आपके छठे दिन के बाद जो फॉलिकल बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, तो वो क्या रिलीज करेगा? आपका ईस्ट्रोजन रिलीज करेगा। ईस्ट्रोजन रिलीज होने से क्या होएगा? आपके फॉलिकल, आपका क्या बनने लगेगा? एंडोमेट्रियम बनने लगेगा। तो धीरे धीरे जो शेड हुआ था पांचवें दिन से, वो सातवें दिन से फिर से बनने लग गया। ये देखो, ये सातवें दिन से जैसे ही फॉलिकल्स आए, फॉलिकल्स ने ईस्ट्रोजन बढ़ाना शुरू किया सातवें दिन से, और सातवें ही दिन से आपके एंडोमेट्रियम वापस से बढ़ने लग गए। जब बढ़ने लगी तो आपने यहाँ पर देखा कि क्या LH का पीक आ गया 14वें दिन पे, ओव्यूलेशन का पीक आ गया। ये देखो पीक है यहाँ पे किसका? ईस्ट्रोजन का भी यहाँ पर पीक आ गया, राइट? अब क्या हो रहा है? ईस्ट्रोजन ने अपना काम कर दिया। अब धीरे धीरे ईस्ट्रोजन क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। फॉलिकल बन गया, यहाँ पे कॉर्पस लूटियम बन गया। क्या बन गया? कॉर्पस लूटियम बना। कॉर्पस लूटियम के बनने से क्या होगा? कौन से हार्मोन में पीक आएगा? कौन से हार्मोन में पीक आएगा? प्रोजेस्टेरॉन में पीक आएगा। देखो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन में पीक आया, ठीक है? क्या हुआ? कॉर्पस लूटियम यहाँ पे पीक आया, राइट? एंड LH भी क्या कर रहा है? LH भी कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करके जा रहा है, लेकिन क्या नहीं हुआ? फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो दोनों हॉर्मोन्स नीचे रिड्यूस हो गए, दोनों हॉर्मोन्स नीचे क्या हुए? रिड्यूस हो गए। एंड जैसे ये रिड्यूस होंगे तो यहाँ से आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, राइट? इतनी बात समझ आ गई? एक बार पीछे देख ले वापस, ये आप बिल्कुल स्टडी करने के लिए अपना जितना हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा है वो आप देख सकते हो इस वाले डायग्राम से। आगे बढ़ो, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे हो रहा है? हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो हमारे को पता है GnRH आता है। GnRH किसको सिक्रीट करवाता है? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे FSH LH को सिक्रीट करवाता है। FSH जाके स्टिम्युलेट करते हैं ओवरी को, ओवरी में ओवेरियन फॉलिकल्स को, जो कि ईस्ट्रोजन बनाते हैं प्रोलिफरेटिव फेज में। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या हुआ? ईस्ट्रोजन बनता है। ईस्ट्रोजन किसको स्टिम्युलेट करता है? प्रोडक्शन ऑफ एंडोथीलियम, ठीक है? LH भी आता है। LH क्या स्टिम्युलेट करता है? कॉर्पस लूटियम, राइट, ऑफ द ओवरी टू सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है? तो जो मेंस्ट्रुअल फेज है दैट इज कॉज्ड बाय रिडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजेंस, ठीक है? आगे अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा प्रोलिफरेटिव फेज है दैट इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजेंस। LH कौन का? LH क्या करवाता है? ओव्यूलेशन करवाता है। सेक्रेटरी फेज इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। इतनी बातें समझ आ गई? इतनी बातें समझ आई कि कैसे हॉर्मोन्स रोल प्ले कर रहे हैं आपके मेंस्ट्रुएशन में, राइट? क्या करें? एक बार क्या करें? इन सारे हॉर्मोन्स को उस वाली साइकिल पे लिख दे,
उस वाली साइकिल पे लिख दें। चलो देख लो, मेंस्ट्रुअल फेज किसकी वजह से हो रहा है? आपके प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के कम होने की वजह से हो रहा है, राइट। अब क्या हो रहा है? प्रोलिफरेटिव फेज है, इसमें क्या बढ़ रहा है? आपका FSH बढ़ा था, ईस्ट्रोजन बढ़ा था। ओव्यूलेशन क्यों हो रहा है? LH में पीक आया। सिक्रेटरी फेज क्यों आया? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा। चलो एक बार हम उस साइकिल को ले आते हैं यहाँ पे। उसमें अपन ने कहा था ना, लिखेंगे अपन क्या लिखने वाले थे उस साइकिल में? उस साइकिल में हम हॉर्मोन्स लिखने वाले थे। ये रही हमारी वो साइकिल, चला ले कर लो, बड़ा मजा आएगा इसको करने में। चलो कौन सा कलर ले? वाइट कलर लेते हैं, वाइट कलर सब पे दिखेगा। चलो तो ये जो आपका मेंस्ट्रुअल फेज है, ये क्यों हुआ मेंस्ट्रुअल फेज? क्योंकि इसमें क्या क्या कम हो गए? इसमें ईस्ट्रोजन कम हो गया, राइट। इसमें प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया, प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया, ठीक है। ये क्यों कम हुए? क्योंकि FSH भी कम हो गया और LH भी कम हो गया। ये कहाँ तक है हमारा? ये हमारा है सिक्स्थ डे तक। ये ऐसे बना लो इसको, ठीक है। अब सिक्स्थ डे से फोर्टीन्थ डे में ये वाला जो साइकिल है, ये वाला आपका फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज क्यों आया? क्योंकि क्या बढ़े यहाँ पर? यहाँ पर बढ़ा आपका प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन। किसका प्रोडक्शन बढ़ गया? आपका ईस्ट्रोजन का बढ़ गया। और ईस्ट्रोजन क्यों बढ़ा? क्योंकि आपका FSH बढ़ा था, ठीक है। अब ओव्यूलेशन क्यों हुआ? बिकॉज यहाँ पे कौन बढ़ गया था? LH की पीक आ गई थी। ओव्यूलेशन किसने कंट्रोल किया है? LH ने। सिक्रेटरी या ल्यूटियल फेज क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे आपका प्रोजेस्टेरॉन बड़ा होता है। क्या बड़ा होता है? प्रोजेस्टेरॉन बड़ा होता है। तो हमने डेज के साथ में, डेज में क्या हो रहा है उसके साथ में, हमने ये भी देख दिया कि हॉर्मोन्स कैसे साइकिल प्ले कर रहे हैं, हॉर्मोन्स कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके, ठीक है। अब देख लें हम हॉर्मोन कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये देख लिया हमने यहाँ पर। मेंस्ट्रुअल फेज भी देख लिया, रिडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजेंस। प्रोलिफरेटिव फेज भी देख लिया हमने, ओव्यूलेशन भी देख लिया, एंड सिक्रेटरी फेज भी देख लिया। मेनोपॉज क्या होता है? आफ्टर अराउंड यहाँ पर फुल स्टॉप लगा लीजिएगा, स्टॉप के बाद में, ठीक है। ये देखो यहाँ पर, ठीक है। तो आफ्टर अराउंड हमने क्या बोला था, 450 हमारे पास कितने होते हैं? 450 हमारे पास सेकेंडरी ओओसाइट बनते हैं एक फीमेल की बॉडी में। या तो आपके क्या हो गए? सेकेंडरी ओओसाइट ख़त्म हो गए, सेकेंडरी ओओसाइट एग्जॉस्ट हो गए, या फिर आपका क्या हो गया, जो प्रोडक्शन है किसका? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का, ईस्ट्रोजन साथ ही में प्रोजेस्टेरॉन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया। तो इनकी वजह से क्या होता है, एक लेडी के लाइफ में एक फेज़ आता है जहाँ उसका मेंस्ट्रुएशन कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है। अब उसको क्या नहीं आता? उसको मेंस्ट्रुएशन या माहवारी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? इन कारणों की वजह से नहीं आएगी। और उस फेज़ को हम क्या बोलेंगे? मेनोपॉज, मतलब जो मेंस्ट्रुएशन था वो पॉज हो गया, रुक गया। कब होता है? 45 to 55 ईयर्स में। कुछ वेमेन में इरेगुलर साइकिल्स आती हैं, कभी किसी मंथ पीरियड होता है, किसी मंथ पीरियड नहीं होता है। मान लीजिए 45 ईयर्स में किसी एक लेडी को मेनोपॉज आना है, तो हो सकता है इसको 40 से 42 ईयर्स में आपको क्या एज में आने क्या लग जाए, आपको आपकी जो साइकिल्स हैं, जो पीरियड साइकिल्स हैं, वो कैसी हो जाए? इरेगुलर साइकिल्स हो जाए। क्या हो जाए? इरेगुलर साइकिल हो जाए, राइट। अदर सिंपली स्टॉप मेंस्ट्रुएटिंग एब्रप्टली, एक दिन अचानक ही आपको क्या आने बंद हो जाते हैं? मेंस्ट्रुएशन आने बंद हो जाते हैं। क्यों होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में चेंज होगा, हाइपोथैलेमस में चेंज हो सकता है। दूसरी थ्योरी ये है कि जो फॉलिकल्स हैं ओवरी में, अब फॉलिकल्स नहीं बचे हैं, फॉलिकल और आर के बीच में स्पेस लगाइएगा, या फिर क्या हो गया है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया है। यही बातें हो सकती है। सिम्टम्स क्या है इसमें? वजाइनल ड्राइनेस होगी, डिप्रेशन हो सकता है, हीट फ्लैशेज हो सकते हैं, राइट। हॉट फ्लैशेज मतलब आपको एकदम से ऐसा लगेगा कि आपके शरीर में गर्मी हुई और आपको पसीने आ गए, या फिर आपको क्या हो सकता है, साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, लाइक डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एक्सेसिव स्ट्रेस, ये सब चीज़ें भी आपको मेनोपॉज में प्रॉब्लम कर सकती है। इतनी बात समझ आ गई? तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं इनको आप रिलीव कर सकते हो, इनको कम कर सकते हो हार्मोन से, लेकिन मना किया जाता है, क्योंकि अगर आप बाहर से सिंथेटिक हार्मोन्स देते हो तो उनके क्या होते हैं, साइड इफेक्ट भी होते हैं। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? तो बेटा ये थी आपकी पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल।
जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलूंगी मैं आपसे अगली कक्षा में फर्टिलाइजेशन के साथ में, और हम निकालेंगे आपके होने वाले बच्चे का सेक्स, राइट, इलीगली नहीं, लीगली। तो मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय।